इंडिया में अगर सबसे बड़े पैमाने पे कहीं पे तवा चिकन या चिकन चंगेजी को तैयार किया जाता है तो है जी वो ये वाली दुकान। यहाँ पे इस 100 किलो के तवे पे एक समय पे लगभग 90 से 100 चिकन को तैयार किया जाता है और ये प्रोसेस दिन में लगभग 4 से 5 बार होता है। यहाँ 450 किलो के लगभग यहाँ पे चिकन को तैयार किया जाता है और ये चिकन चंगेजी खाने में जितना स्वादिष्ट होता है ना भाई, इसको बनाना उतना ही कला का काम है। अगर ये देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्वाद तो आपको आएगा ही आएगा। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो जी चिकन तो आपने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे तरीकों के खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ करोल बाग में चंगेजी चिकन पे। भाई यहाँ पे जो चिकन बनाया जाता है ना वो 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो नहीं बल्कि पूरा 90 किलो चिकन एक टाइम पे इस तवे पे बनाया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़े तवे पे चिकन चंगेजी तैयार होता है और उसका स्वाद कहते हैं ऐसा है कि आप जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे। भाई बोलते बोलते मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है, तो खा के आई एम श्योर मुझे आनंद आ जाएगा। बड़े सालों से यहाँ पे मैं चिकन चंगेजी खा रहा हूँ और इसका स्वाद सच में बहुत लाजवाब है। आइए चलते अंदर, दिखाते हैं सबसे पहले आपको कैसे बनाया जाता है ये चिकन चंगेजी और उसके बाद उसका स्वाद आप तक पहुंचाते हैं। आ जाओ। तो ये देखिए जी, ये है दुनिया का सबसे बड़ा तवा जिसके ऊपर बनाया जाएगा चिकन चंगेजी और यहाँ पे एक टाइम पे लगभग 90 किलो चिकन तैयार किया जाता है। और ये जो तवा आप देख रहे हैं ये है 100 किलो का तवा और इसके ऊपर 90 किलो जो चिकन है वो आता है। ये ना जाने कितने सालों से बेच रहे हैं दिल्ली का सबसे बेहतरीन चिकन चंगेजी और इसका स्वाद भाई कहते हैं ऐसा है कि एक बार जो खा लेना वो जिंदगी भर भूलता नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने यहाँ तवा लिया है, उसके ऊपर ऑयल डाला है और अब इसके ऊपर चिकन चंगेजी बनाने की तैयारी की जाएगी। यहाँ पे जो तापमान है बहुत ज़्यादा तेज है और कितने सारे पैमाने पे यहाँ पे जो चंगेजी के लिए ग्रेवी है वो जा रही है। टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन की जो ग्रेवी है वो इसके ऊपर जा रही है। इसके अंदर और बहुत सारे किस्म के मसाले भी मिले हुए हैं। तो ये देखिए जी, अब इसके अंदर और ग्रेवी जो है वो डाली जा रही है। ये देखिए भाई, जब तक ये पूरा तवा ग्रेवी से नहीं भर जाता ना, इसमें लगातार जो ग्रेवी है उसको रिफिल किया जाता है। और जरा ग्रेवी की रंगत देखिए भाई, लाजवाब ये रंगत है ना ग्रेवी की। तो ये देखिए जी, जो तवा है वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से भर लिया गया है, भर चुका है और इस पर कितनी सारी मात्रा में ग्रेवी आती है ना वो ज़रा आप यहाँ पे देखिए भैया। एक टाइम पे 90 किलो जो चिकन चंगेजी है वो तैयार किया जाता है और उसके लिए कितनी सारी इसमें ग्रेवी जाती है ना, ये देखिए भाई। तो जी सर्दियों ने तो पूरे नॉर्थ इंडिया में दस्तक दे दी है और जब तक यहाँ पे ये तवा चिकन तैयार होता है, आप जरा लेदर जैकेट की ये बेहतरीन कलेक्शन देखिए। सो जी सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में एक चीज़ जो हम सब पहनते हैं वो है जी जैकेट, और जब बात होती है जैकेट की तो याद आती है जी सिर्फ और सिर्फ लेदर जैकेट की, जो कि इतनी कंफर्टेबल होती है, इतनी स्टाइलिश होती है, इतनी ट्रेंडी होती है। और जब बात होती है लेदर जैकेट की तो एक दुकान जो मेरे जहन में आती है वो है जी गुड लेदर, और सबसे अच्छी बात है खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सरफराज भाई थैंक यू सो मच, सरफराज भाई को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, तो इन्होंने बोला भाई आप आओ और हमारी लेदर जैकेट्स की कलेक्शन को दिखाओ। सबसे पहले तो ये बताओ कितनी रेंज से कहाँ तक जाती है आपकी लेदर जैकेट्स? स्टार्टिंग है 2500 रुपए से स्टार्टिंग। अच्छा जी, और 7-8 हज़ार तक जैकेट की रेंज आती है। 2500 रुपए से लेदर जैकेट शुरू है? अरे वाह। तो भाई मैं जैसे अंदर आया मैंने ये जैकेट देखी, मैंने बोला भाई ये तो मैं पक्का खरीदने वाला हूँ। भाई ये कितने की है ये बताओ? ये सर देखिए, वैसे तो ये आपको पड़ेगी 3000-4000 रुपए की जैकेट, 3500-4000 रुपए की जैकेट है, बट आपके लिए जो डिस्काउंट होगा हम आपको 3000 तक की, मतलब मेरे को अकेले नहीं करना, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को भी आपको डिस्काउंट देना है। बिल्कुल, आपके जो सब्सक्राइबर आएगा ना उसको, उनको 10% डिस्काउंट देंगे सभी। क्या बात है। तो भाई ये देखो यहाँ पे आपको जैकेट्स की इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं ना, शायद आपको और कहीं नहीं मिलेंगे पूरी दिल्ली के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूँ। और ये नहीं सिर्फ आप अपने लिए लेके जाइए, वाइफ है घर में, मम्मी है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है उनके लिए भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेडीज की भी कलेक्शन बहुत बढ़िया है सर। इतनी कलेक्शन है लेडीज और जेंट्स दोनों में, मैं दिखाऊं तो 2 दिन में भी आप खत्म नहीं। अरे भाई मजेदार मजेदार। तो भाई मैं तो अपने लिए 1-2 जैकेट पक्का लेके यहाँ से जाने वाला हूँ। आपको अगर यहाँ आना है तो आपको एड्रेस देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आइए, भाई से मेरा नाम लीजिएगा, स्वाद ऑफिशियल कोड यूज कर लेना और आपको 10% नहीं 15% भी दे देंगे डिस्काउंट। प्यारे हैं भाई हमारे बहुत।
कम से कम आपके सब्सक्राइबर को देंगे। आइएगा भाई और बताइएगा कि आपको हमारी ये जैकेट वाली जो रिकमेंडेशन है ना वो कैसी लगी। साला है वो तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर जो है ये क्रीम दही डाली जा रही है और उसके बाद इसको मिक्स किया जाएगा, तो मसाले की रंगत भी लाजवाब है। अब इसके ऊपर से कितनी सारी मात्रा में यहाँ ऊपर से क्रीम डाली जाती है ना भाई, ये ज़रा आप देखिए, ये देखिए जी, अब यहाँ पे ये मसाले डाले जा रहे हैं। ये गया जी इसमें नमक, पहले इसमें गया था गरम मसाला, और ये देखिए इसका अंदाज़ा देखिए ज़रा हाथ का कितना बढ़िया तरीके से नफा हुआ हाथ है इनका, क्योंकि ये पिछले 12 साल से यही बना रहे हैं, इसीलिए इनको हर चीज़ का अंदाज़ा है। ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं, तो ये देखिए जी यहाँ पे जो मसाला है उसको मिक्स किया जा रहा है अपने ड्राई मसालों के साथ, और क्या लाजवाब दृश्य है भाई ये यहाँ पे चिकन चंगेजी को तैयार करने का। यहाँ पे चिकन को पहले अच्छे से तंदूर किया जाता है, उसके बाद मसालों के साथ इसको मिलाया जाता है। जो वहाँ पे मसाला आप देख रहे हैं तवे के ऊपर, ये जितना भी तंदूरी चिकन यहाँ आप देख रहे हैं सारा का सारा उस तवे के ऊपर डाला जाएगा। मसाला देखिए कैसे एकदम उफान मार रहा है, बॉइल हो रहा है, अभी अच्छे से पक रहा है, उसके बाद इसके अंदर रोस्टेड चिकन को डाला जाता है, फिर लगाया जाता है जी। बहुत फेमस ये चिकन चंगेजी। फाइनली द वेट इज़ ओवर और अब इसके अंदर डाला जाएगा चिकन, और कितनी सारी मात्रा में जलेगा ना चिकन आप ज़रा देखिए। तो ये देखिए जी कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे प्लेटों को भरा जा रहा है और इसमें डाला जा रहा है ये चिकन। तो ये देखिए जी लगभग एक घंटा हो चुका है यहाँ पे, अभी भी जो चिकन चंगेजी है ना वो तैयार किया जा रहा है, और इसमें लगभग डेढ़ घंटा लगता है पूरे प्रोसेस को तैयार होने में, और लगातार इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है ना वो कंट्रोल किया जाता है चिकन के हिसाब से, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज इसको पकाया जाएगा तो चिकन जो है वो गल जाएगा, और अगर धीमी आंच में पकाया जाएगा तो चिकन ढंग से गलेगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका, 25 साल से ये वैसे चिकन चंगेजी बना रहे हैं, लेकिन इस दुकान पे 10-12 साल से बना रहे हैं, और भाई साहब इतना लाजवाब चिकन चंगेजी है कि अगर आपने ये नहीं खाया ना तो यकीन मानिए आपने फिर चिकन कभी खाया ही नहीं। कभी भी मौका मिले चिकन चंगेजी ज़रूर आइएगा, और इसका स्वाद कैसा लगा वो कमेंट्स में जाके बताइएगा। अभी आधे घंटे की वेट और है, तो देखते हैं और क्या क्या तैयारी करेंगे। अभी लाजवाब खुशबू आ रही है इतना बता सकता हूँ। तो देखिए जी चिकन जब तैयार हो जाता है उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर मसाले को डाला जाता है, और ये प्रोसेस को लगभग 3-4 बार किया जाता है। तो किस स्टाइल से यहाँ पे मसाले को डाला जा रहा है ज़रा आप देखिए, ताकि जो मसाला है वो सारी तरफ अच्छे तरीके से चला जाए, और जब उसको ये मिक्स करें ना तो उसका पूरा फ्लेवर आपको इस चिकन चंगेजी के अंदर आए। सो जी फाइनली द वेट इज़ ओवर और जो चिकन चंगेजी है वो तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर डाला जाएगा धनिया, और धनिए से गार्निश करने के बाद इसको अब डिश आउट किया जाएगा, और ये तैयार हो गया जी चिकन चंगेजी। अब दिखने में कितना लाजवाब लग रहा है ना, आप ये देखिए, अब मैं आपको खा के बताता हूँ कि कैसा इसका स्वाद है। ये जो उस्ताद जी है यही बनाते हैं, यही डिश आउट करते हैं, और फिर आगे ये सब लोग यहाँ पे पैक करते हैं। और देखिए अभी तवा जो है वो पूरा तैयार हुआ ही है, यहाँ पे पहले ही पैकिंग के लिए जो बॉक्सेस है ना वो लग चुके हैं। तो जी ये देखिए यहाँ पे चिकन चंगेजी तैयार हो चुका है, और अब ये सब लोग मिलके यहाँ पे पैकिंग में जुट गए हैं, और 20% जो तवा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका है, इसीलिए शायद 5-6 तवे यहाँ पे रोज़ाना बनाए जाते हैं। मतलब इतनी जितनी देर लगी इसको बनने में उससे पहले ही लोगों के वहाँ नंबर लगे हुए हैं चिकन चंगेजी को पैक कराने के लिए या फिर खाने के लिए। तो ये देखिए जी यहाँ पे जो चिकन चंगेजी है ये पैकिंग के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका है, स्विगी जोमेटो पे भी ये ऑर्डर आप यहाँ से कर सकते हैं, और देखिए कितनी सारी मात्रा में अभी पैकिंग हो चुकी है, और जो तवा है ऑलमोस्ट 20-30% ख़त्म भी हो चुका है। तो जी मेरे मुंह में कितनी बाल्टी भर पानी आया है ना ये मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो चिकन चंगेजी बना नहीं ना मैं वहाँ से हिला ही नहीं भाई। 2 घंटे लगे उसे बनने में, तैयार होने में प्रॉपर, लेकिन देखने का जो वो नज़ारा था भाई वो अनबिलीवेबल था। मतलब हर चीज़ का जो इनका अंदाज़ा है ना वो इतना एक्यूरेट है कि इसका स्वाद भाई बहुत लाजवाब है। क्योंकि कैमरे पर आने से पहले मैं एक चम्मच खा चुका हूँ, और अल्टीमेट टेस्ट है इसका। और उसके साथ ये देते हैं जी खमीरी रोटी, खमीरी रोटी फूली फूली खमीरी रोटी, उसके साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है ना भाई वो तो मैच मेड इन हेवन है। आई एम श्योर आप अगर मेरे साथ पूरी वीडियो में बने हुए हैं ना तो आपसे भी नहीं रुका जा रहा होगा ये जानने के लिए कि कैसा इसका स्वाद है, और जाइएगा मत क्योंकि आपको हम लास्ट बाइट तो खिला के जाते ही हैं। तो हम खाते हैं जी फूली फूली ये खमीरी रोटी, और साथ में ये चिकन चंगेजी जो कि भैया इतना फेमस है कि बहुत दूर दूर से मैंने सुना है लोग खाने के लिए आते हैं। ये देखिए बढ़िया एकदम ग्रेवी की बाइट, साथ में ये चिकन, आहा, और बताता हूँ आपको कैसा स्वाद है।
भाई मैं इतनी सारी जगहों पे ट्रैवल करता हूँ, इतनी सारी जगहों पे जाता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का स्वाद ऐसा होता है ना कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको ये बता ही होगी कि मेरे को कितना पसंद आया है ये चिकन चंगेज़ी। भाई इतना फ्लेवरफुल है, इतना चटपटा है, इतना स्पाइसी है कि इससे बेहतरीन शायद ही आपको कहीं और ऐसा चिकन चंगेज़ी मिले। और अगर मिले तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में जाके कहाँ पे मिले, क्योंकि ये अनबीटेबल नेक्स्ट लेवल है, बहुत मज़ेदार चिकन है। और अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं तो एक बार ये चिकन चंगेज़ी ज़रूर खाने आइएगा। न्यू रोहतक रोड करोल बाग में, आपको गूगल लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, एड्रेस नंबर सब मिल जाएगा। आइएगा और खा के बताइएगा कि आपको मेरी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी, क्योंकि ये एक ऐसा स्वाद है ना जो आप नहीं भूल पाएंगे। लेकिन जाने से पहले इसकी बाइट ज़रूर लेके जाइएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।